असल काशक वज़ीर आज़म के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत धान के पंद्रह अजला में बाहन नगर समेत मशीनरी पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया गया है ये सब्सिडी पचास फ़ीसद की रियायत पे साथ दी जाएगी आ, तमाम काशकार इसमें अप्लाई कर सकते हैं और काशकार सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आठ किस्म की मशीनरी मशीनें इसमें शामिल हैं जो कुछ ट्रैक्टर से चलने वाली हैं और कुछ बगैर ट्रैक्टर के चलने वाली हैं जो ट्रैक्टर से चलने वाली हैं उनके लिए ट्रैक्टर की कापी का होना जरूरी है दरख्वास्त फ़ाम के साथ आपको सौ रुपये का स्टाम और बयान अल्फ़ी जो है वो आपको उन्हें साथ लाजमी जमा करवाना होगा दरखास्त के साथ दरखास्त की जो आखिरी तारीख है वो दस फरवरी दो हज़ार बाईस है उसके बाद उन्नीस फरवरी को तक इसकी जाँच पड़ताल होगी दरखास्तों की और ये काम चलेगा तो सबसे जो अहम मशीनरी इसमें अगर मेरे अगर मेरे से बात करें तो मैं बताऊँगा कि वो है इसको मुंतकिल करने वाली नर्सरी को मुंतकिल करने वाली और नर्सरी को उगाने वाली नर्सरी उगाने के बाद फिर मुंतकिल करना उसमें भी दो तरह की मशीनरी हैं मुंतकिल करने वालों में एक है जो आप हाथ से चलाएंगे और दूसरी है राइडिंग टाइप जिसके ऊपर आप बैठेंगे इंजन होगा और चलाएंगे जैसा कि आपको इस वीडियो भी नज़र आ रहा है ये मशीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और बड़े ही ऐसा अंदाज में जो पनीरी है वो खेत में मुंतकिल करती है कोई नागा नहीं रहता बड़े ही प्लांट तो टू प्लांट डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है और रोड टू रोड डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है पनीरी आपकी ज़ाया भी नहीं होती और आपकी जो सबसे अहम इसमें जो बात है वो ये है कि जैसे ही आप पनीरी शिफ्ट करते हैं वो वैसे ही चलना शुरू हो जाती है क्योंकि इसके साथ वो मट्टी मौजूद होती है इसकी जड़ें नहीं टूटती दूसरी जो पनीरी होती है उसकी जड़ें टूट जाती हैं और उसमें जो चलने में भी फिर भी टाइम लगता है उस टाइम की वजह से फिर हमारी पैदावार भी मुतासर होती है तो इसी तरह आफ्टर टाइप भी है रोटावेटर भी मौजूद है इसमें इसमें पावर मशीन भी है स्प्रे वाली इसमें डिस्क प्लो भी है राजा हल भी है आ, इसी स्कीम में आपको कुछ मिलेगा इसी स्कीम में दो इनके साथ जो नर्सी उगाने वाली मशीनें हैं जिसके साथ ट्रे भी मौजूद हैं वो मशीन भी आपको इसी स्कीम के तहत मिलेगी और ये तमाम मशीनें जितनी मैं काउंट कर रहा हूँ ये तमाम की तमाम मशीनें जो हैं आपको 50 फीसद सब्सिडी पे मिलेंगी तो इसके लिए आप जल्द अज़ जल्द अप्लाई करें 10 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है उसके बाद आप दरखास्त नहीं दे सकेंगे तो 10 फरवरी 2022 तक इसकी दरखास्तें आप मुकम्मल करें दरख्वा दें ताकि आपको इस तरह की मशीनरी मिल सके मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मलूमत के लिए हमारा चैनल एग्रीनफर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बार वक्त मलूम मिलती रहे बहुत शुक्रिया